आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ड्रामा सीरियल कपली पलाऊ में आने वाले अदाकारों की हकीकी मियां बीवी के बारे में। ये ड्रामा ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट पर नशर किया जाता है। इस ड्रामे में मरकजी किरदार निभाने वाले सबीना फ़ारूक, इता शामोद्दीन जैसे अदाकार मरकजी किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। सबीना फ़ारूक की शादी एक बूढ़े आदमी के साथ कर दी जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मलिक एस के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं नामवर अदाकारा मुनज़्ज़ा आरिफ की, जो इस ड्रामे में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आ रही है। इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो ये असल ज़िंदगी में शादीशुदा है। इनके शौहर ड्रामे शोबे से बिलोंग नहीं करते, ना ही कभी सामने आए हैं। इनकी फैमिली में इनकी एक जवान बेटी और इनका एक बेटा है। इनकी फैमिली को बे इंतहा पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं साकिब समीर की। साकिब समीर का नाम भी कामयाब अदाकारों में शामिल होता है। आजकल ड्रामा सीरियल इरहा में जनून में बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो ये असल ज़िंदगी में शादीशुदा है। इनकी अहलिया ड्रामे शोबे से बिलोंग नहीं करती, अपनी बीवी के साथ पिक्चर शेयर करते हुए नज़र आते हैं। अब बात करते हैं फजर खान की। फजर खान भी कामयाब अदाकारा है, कई मशहूर ड्रामास में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। फजर खान की मैरिड लाइफ की बात करें तो ये अभी तक सिंगल जिंदगी गुजार रही है। इन्होंने अभी तक शादी करने का नहीं सोचा। हाल ही में कलंदर ड्रामे में बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हुए नज़र आई थी और इनकी अदाकारी को बहुत ही पसंद किया गया था। मुनीब भट्ट की छोटी बहन का किरदार निभाया था। अब बात करते हैं अदनान शाह टिप्पू की। अदनान शाह टिप्पू का नाम भी टॉप एक्टर में शामिल होता है। हाल ही में कैसी तेरी खुद गर्जी ड्रामे में बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हुए नज़र आए थे। इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो ये असल ज़िंदगी में शादीशुदा है। इनकी अहलिया ड्रामे शोबे से बिलोंग नहीं करती, अपनी अहलिया के साथ पिक्चर शेयर करते हुए नज़र आते हैं। अब बात करते हैं नामवर अदाकारा नादिया अहफान की। नादिया अहफान भी कामयाब अदाकारा है, कई मशहूर ड्रामास में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। परिजात ड्रामे में पुलिस वाली का किरदार निभाया था। इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो इनकी शादी जवाद खान के साथ हुई थी। इनके शौहर ड्रामे शोबे से बिलोंग नहीं करते, ये अक्सर एक साथ पिक्चर शेयर करते हुए नज़र आते हैं। अब बात करते हैं अदाकारा सबीना फ़ारूक की। सबीना फ़ारूक को तेरे बिन ड्रामे से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अब ये काफ़ी मशहूर हो चुकी है। इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो ये अभी तक सिंगल जिंदगी गुजार रही है। इनकी फैमिली में इनकी खूबसूरत वालदा अपनी वालदा के साथ पिक्चर शेयर करते हुए नज़र आती है। इनकी फैमिली में इनकी एक बहन है, इनका एक भाई है। इनकी फैमिली को बे इंतहा पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं इता शामोद्दीन की। इता शामोद्दीन भी टॉप एक्टर और मॉडल है। इस ड्रामे में मरकजी किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो ये असल ज़िंदगी में शादीशुदा है। अपनी अहलिया के साथ अक्सर पिक्चर शेयर करते हुए नज़र आते हैं। अब इस ड्रामे में तो इनकी शादी सबीना फ़ारूक के साथ होगी। इनके तो बहुत मज़े होंगे, इनको एक यंग लड़की मिलेगी। ये थी हमारी आज की वीडियो इन अदाकारों में। आपका पसंदीदा अदाकार कौन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मलिक एस के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेलिब्रिटी की दुनिया से जानते रहें।